नमस्कार दोस्तों, आज हम जादुई वर्ग बनाने के लिए सीखेंगे। इसलिए जो हम यहाँ पे जोड़ेंगे कोई भी अंक, यहाँ पे कौन सा अंक लिखेंगे कि जोड़ने पर हमको समान अंक, किधर से भी जोड़ेंगे, चाहे इधर से जोड़े, चाहे इधर से ऊपर से या कोना कोनी, किधर से भी जोड़ेंगे तो हमको समान अंक आना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें जो ने खाना है तो नौ खाना का पहले योग निकाल लेते। 109 तक का योग हो गया 45, तो 45 बटे तीन, तीन जो लगा तीन को है ना खाना, तो इस बटे तीन, तो तीन से जो काटेंगे तो 15, इसका 15 हो जाएगा। तो इसका योग कितना होगा, 15 इसका भी होगा और इसका भी 15, इसका किधर से भी जोड़ेंगे तो 15 ही होगा। इसलिए हम पहले लिखते हैं यहाँ पे शुरू करते हैं एक और आखिरी अंक यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ से जो हम इसको जो लिखेंगे तो ये ऊपर से डायरेक्ट नीचे चले आएगा, दो तो यहाँ पे चले आएगा, इसके बाद दो यहाँ जो आएगा तो इधर तो कोई खाना नहीं है, इसलिए इधर से टकरा जाएगी और टकरा के यहाँ पे चले आएगी, तो यहाँ पे तीन हो जाएगा। इधर ऊपर में नहीं जा सकती है तो यहाँ पे फिर चार आएगा, पाँच, छः। इसका एक अथी है, रूल है कि ये जो यहाँ पे जो लिखेंगे तो इसका एक ही रूल है कि यहाँ पे इस ऊपर से फिर नीचे चले आएगी, और यहाँ से तब यहाँ से फिर इधर नहीं है खाना तो यहाँ पे सीधे आठ आ जाएगी। तो अब हम जोड़ के देख लेते हैं, 8 × 1 9 और 9 × 6 = 15। देखिए किधर से भी आप जोड़ के देख लीजिए, कैसे भी जोड़िएगा, इधर से भी जोड़ेंगे तो 8 × 3 = 11 4 = 15 5 × 1 = 6 9 × 6 = 15। जिधर से भी जोड़ेंगे तो इसका 15 ही होगा। इसलिए हम इसी तरह इसका हम विषम संख्याओं का जो है एक को छोड़ करके और जितना भी विषम संख्या होता है 3 5 7 9 11 13 इत्यादि, जितना भी विषम संख्या है उस सब का ही बन सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।